क्योंकि वो शादी है इसके बाद ही। मैंने इनके प्रोग्राम पे टीवी पे मैंने कहा था, इन्होंने मुझे पूछा था, मैंने किया था। आपने कहा मीडिया में आप इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई फलाही कामों में तो इकट्ठे जाएंगे आपने? नहीं, जो फलाही काम होगा ना डेफिनेट उस पर जाएंगे, जो शादी काम जो मुझे शौक है ना, वो इससे भी मैं हेल्प भी होगा, कैसे हमले करना है, कैसे चीजें करनी है, कैसे लोगों को उनको अपने बच्चों को करना है, पहले भी मैंने किया था। मैं तो इनके सब टी वी प्रोग्राम में मैंने कहा था, मैंने मुल्तान रोशन यतीम खाने के लिए जमीन ली थी, वो पकड़ के किसी और ने अल्लाह करे ये दांतों के जल्दी फैसले हों, वो चक्कर में लगाते थे सारी उम्र, मेरी जिंदगी में उसका फैसला हो गया, यतीम खाना बनाए वहाँ पे एक मकबरा जमीन है, तो गरीब यतीम खाना बना के मैं चले जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने शादी पे लोगों के मुझे बड़े लोगों के तोहफे और चीज़ें आई हैं, मैंने उनके मुझे जो आपने मुझे देना ना जाके यतीम खाने में दिया। मैडम आपकी अरेंज मैरिज है, लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, तो आपकी शादी से कबल तो आप इनको जानती होंगी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में? मैं वैसे बहुत कम जानती थी और मेरी फैमिली को भी इतना नहीं, क्योंकि हमारा फैशन से नहीं है, फैशन नहीं था इतना और इतना तो पढ़ा नहीं था, लेकिन जब ज़ाहिर प्रपोजल आया और फिर इनके इतने प्रोग्राम मैंने देखे, वहीं से मुझे मेरा ख्याल है कि मैं लकी इस लिहाज से हूँ कि आम लड़की को प्रपोजल आता है, उनको पता नहीं चलता लड़का क्या है, तो मुझे इनका। बेटी साहब आपने प्रपोजल भेजने का फैसला मतलब कब देखा, कहाँ देखा, उसके बाद में फैसला कैसे किया आपने? मैंने इनके प्रोग्राम पे किया था, वहाँ पे मैंने सोचा मैंने कि अगर शादी करनी है यहीं पे करनी है, अपनी कहीं लाइफ में भी यहीं पे मेरी अपनी इस गेट टू गेट के दौरान भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, थैंक यू जी। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे मैं लंगर भाव पे खाता था, तो रियल लाइफ जो है ना मैंने वो हमें अपना ऐसे आइकन के साथ आपकी शादी हो गई है जिनसे दुनिया भर की रोल मॉडल है और ओवरसीज पाकिस्तान में हमेशा आवाज भी बनी है, इसके साथ साथ वो उनका तारुफ किसी तारुफ में मोहताज नहीं है, फ्रंट वो डिजाइनर भी है और लड़कियाँ उनके जो फ्रेंड्स हैं वो वेयर करती हैं, कितना गुस्सा आएगा? नहीं नहीं गुस्सा क्यों आएगा, इतनी एजुकेशन के बाद यही तो सीखा है, ये तो प्रोफेशनल लाइफ में होता है और इनकी प्रोफेशनल लाइफ का मुझे पता भी है। लकी मेरा ख्याल है कि मुझे पहले एज ए ह्यूमन बींग इनको देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर करनी है इसको, उसके बाद ये तो एक एडिशन में एक अच्छी बात है ना कि वो मेरे हस्बैंड है, लेजेंड है, वो देखा बात है। आपका जो डिज़ाइन किया है डिज़ाइन उन्होंने नहीं किया, लेकिन आई थिंक गाइडेंस नहीं बनवाया तो इन्होंने ये यहाँ से कहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे अपनी वैल्यूज होती हैं, तो मैं ज़ाहिर है जिस तरह का ईस्टर्न पहनना चाह रही थी फिर इन्होंने कहीं से बनाया। कि इस्लाम में चार शादियों की मत हुए और दो यूनिट आप बताएं मैं आपके लिए सर मैं जवाब देता था। तो मुझे लाहौर से अपना स्टार्ट किया, पाकिस्तान से पूरी दुनिया घूमी, एंड भी इनका पाकिस्तान में देख लें और ये बस यही इनकी लाइफ है, यही इनकी वाइफ है। ये तो आप कह रही है ना, ये तो आप कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना चार शादियाँ, एक औरत को रखना बड़ा मुश्किल चीज है, चार तीन आदमी कैसे चार बार, एक आदमी एक औरत की पूरी उसको टाइम दे, उसकी इज्जत करे, उसको एलिगेंस करके दिखाए, वो सबसे जरूरी है, चार आदमी वो आदमी क्या करेगा। नहीं आपने